भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से जुड़े प्रमुख स्थलों को पर्यटन मानचित्र से जुड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना बुद्ध सर्किट वित्तीय आवंटन की भारी कमी से जूझ रही है। संसद की एक समिति ने 1985 में शुरू की गई इस योजना के लिए बेहद कम राशि का आवंटन करने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया है। बुद्ध सर्किट परियोजना के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष में अब तक महज 1,00,000 रूपए जारी किए गए हैं। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में परियोजना की धीमी गति का जिक्र करते हुए ये जानकारी दी गई है। भारत में बौद्ध सर्किट के विकास पर संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को पेश रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में बौद्ध परिपथ के विकास के लिए 0.01 करोड़ रूपए की नाम मात्र की राशि आवंटित की गयी है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन की अध्यक्षता वाली इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के पास इस साल 2,150 करोड़ रुपए का कुल बजट है। इनमें से 1,100 करोड़ रुपए स्वदेश दर्शन योजना और 150 करोड़ रुपए प्रसाद योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। बौद्ध सर्किट के विकास के लिए महज 1,00,000 रुपए का आवंटन को नगण्य बताते हुए समिति ने कहा है कि इस सांकेतिक राशि का आवंटन बौद्ध सर्किट के विकास के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है, ये बहुत ही अव्यवहारिक है। मंत्रालय ने 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा और आंध्र प्रदेश में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों को जोड़ने वाले बौद्ध सर्किट के विकास के लिए 2016-18 के लिए स्वीकृत 361.97 करोड़ रुपए में से केवल 72.4 करोड़ रुपए जारी किए। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में सांची, सतना, रीवा, मंदसौर और धार, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु, बिहार में बोधगया और राजगीर, गुजरात में जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, कच्छ, भावनगर, राजकोट, मेहसाना तथा आंध्र प्रदेश में शालीहुडम, थोटनाकोंडा, बाविकोंडा, भोजनाकोंडा और अमरावती के परिपथ के माध्यम से विभिन्न मार्गों से जोड़ते हुए इन स्थलों को पर्यटन सुविधाओं से लैस करना है।